हेलो गाइज, मेरा नाम है रितेश रेशानी। आप देख रहे हैं आरजे रिव्यू अपडेट। तो आपके सामने फिर से हाजिर हूं मूवी और सीरीज की बहुत ज्यादा तगड़ी अपडेट लेके, जिसमें कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सी की ऑफिशियली सीजन 2 की रिलीज डेट और लास्ट में मैं आपको द व्हील ऑफ द टाइम के सीजन 2 की अपडेट बताने वाला हूं। तो एज ऑलवेज आप कुछ मिस करना नहीं चाहते तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो फिर जरूर से सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना भी ना भूले और लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो फर्स्ट ऑल बात कर लेते हैं डॉक्टर सेन मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेके। तो इस मूवी ने रिलीज के 14 दिन के अंदर ही 700 मिलियन का आंकड़ा पार कर दिया है और नो डाउट ये मूवी कुछ ही दिनों के अंदर 1 बिलियन के आंकड़े को भी पार कर देगी। तो आप जानना चाहते हैं 700 मिलियन इंडियन रुपीज में कितने होते हैं, तो वो भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो आपको डॉक्टर सेन मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं हमारी सेकंड अपडेट, यानी कि जिसमें मैं सी के सीजन 2 के ऑफिशियली रिलीज डेट के बारे में बात करने वाला हूं। तो फाइनली अब जाके नेटफ्लिक्स ने इसकी रिलीज डेट को रिवील कर दिया है, जो कि आपको नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पे 17 जून को देखने को मिल जाएगी। और बात करें सी के सीजन 2 में आपको टोटल कितने नंबर ऑफ द एपिसोड देखने को मिल जाएंगे, तो इसके सीजन 2 में आपको टोटल 7 एपिसोड देखने को मिल जाएंगे। तो आपको सी का सीजन 1 कैसा लगा था और आप सी का सीजन 2 देखने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं हमारी थर्ड अपडेट, यानी कि इस वीडियो की लास्ट अपडेट की तरफ। तो जिसमें मैं द व्हील ऑफ द टाइम के सीजन 2 की अपडेट के बारे में बात करने वाला हूं। तो द व्हील ऑफ द टाइम की टीम्स की तरफ से एक ट्वीट शेयर करते हुए बता दिया है कि द व्हील ऑफ द टाइम के सीजन 2 की फिल्मिंग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और द व्हील ऑफ द टाइम का सीजन 2 अब पूरी तरह से पोस्ट प्रोडक्शन वर्क पे चला गया है। तो इसी हिसाब से इसके पोस्ट प्रोडक्शन वर्क में कम से कम 4 से 5 महीने लग जाएंगे। तो ये शो आपको इस साल के नवंबर या फिर दिसंबर तक देखने को मिल सकता है। तो आगे अगर इसके रिलेटेड कोई अपडेट या फिर न्यूज आती है तो मैं आपको वीडियो बना के जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में यही कुछ न्यूज और यही कुछ अपडेट थी। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कौन सी अपडेट या फिर कौन सी न्यूज के लिए एक्साइटेड है। तो मिलते हैं अगले किसी रिव्यू या फिर अपडेट में, तब तक के लिए मैं चैनल का दूसरे रिव्यू या फिर अपडेट को एंजॉय करें। टिल देन बाय।